दोस्तों, सोमवार को तुर्की और सीरिया में आया भूकंप एक आपदा बनकर सामने आया। भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनको बचाने का काम दुनिया भर से आए बचाव दल कर रहे हैं। हालत ये है कि दोनों देशों में लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आलिशान इमारतें अब कब्र बन चुकी है। इन सब हालातों के बीच ये सवाल चर्चा में बना हुआ है कि आखिरकार इतना भयानक भूकंप आया कैसे और इसके पीछे की वजह क्या है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियाबाद के पास जमीन के करीब 18 किलोमीटर नीचे था, जिसके झटके की तीव्रता 7.8 थी। एक्सपर्ट के मुताबिक 7.8 तीव्रता वाले भूकंपों को बहुत ही विनाशकारी श्रेणी में रखा जाता है। आखिर क्यों आया इतना भयानक भूकंप? बता दें कि धरती के अंदर का भाग अलग अलग प्लेटों से बना होता है, जो एक दूसरे से चिपकी होती है। अक्सर ये प्लेटें खसकती है और पास की प्लेटों से घर्षण होता है। इस दौरान कभी कभी तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक प्लेट दूसरी पर चढ़ जाती है, जिससे सतह पर भी हलचल होती है और जिसका परिणाम ये भूकंप है। इसी मामले में अरेबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है और एनातोलियन प्लेट से इसका घर्षण हो रहा है, जिसके चलते इतना विनाशकारी भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया।